तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो दोस्तों, नौकरी करने वालों के लिए ईपीएफ का पैसा बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, और ख़ास करके तब जब उस पैसे की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो। क्योंकि हर एक पर्सन जो अपने ईपीएफ में पैसा इन्वेस्ट करता है, वो बहुत ही तकलीफ़ बहुत ही मुश्किलों से कमा कर पैसा और अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो ईपीएफ डिपार्टमेंट को देखता है, और उस पैसे से बहुत सारी उम्मीदें होती हैं हर एक इंसान की जिसका भी उस ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तो ऐसी सूरत में आप किस कंडीशन में अपने जो ईपीएफ के पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, आज की वीडियो में मैं उसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। हाय गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है व्हाट यू वांट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ईपीएफ का पैसा कौन कौन सी कंडीशन में और कौन कौन से काम के लिए आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नौकरी वाले लोगों के लिए पीएफ का पैसा बहुत ही ज़्यादा अहम होता है, लेकिन परेशानियां तो तब आती हैं जब उस पैसे को निकालने का वक्त आता है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि हम अपना कंट्रीब्यूशन तो रेगुलर कर रहे हैं, लेकिन जब हम उस पैसे को विड्रॉ करने जाते हैं तब हमें बहुत ज़्यादा ही मुश्किल आती है उस पैसे को निकालने के लिए। तो आज हम आपको इस वीडियो में वही बताएंगे कि आप ऐसे कौन सी कंडीशन है जिसमें आप अपने पीएफ के पैसे को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, और ऐसी 8 कंडीशंस के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जिसमें आप अपने पीएफ का पूरा 100% शेयर तक निकाल सकते हैं। और कुछ एक कंडीशन ऐसी हैं जिसमें आप अपने पीएफ का कुछ हिस्सा ही निकाल सकते हैं। उन 8 कंडीशंस के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना, बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों, जो पहली कंडीशन है वो है रीपेमेंट ऑफ होम लोन। अगर आपने कोई लोन ले रखा है और आप उसका भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आप अपनी पीएफ का जो पैसा है वो विड्रॉ कर सकते हैं। और इसके लिए जो कंडीशन है वो ये है कि आपकी जो सर्विस है वो 10 साल तक होनी चाहिए, कम से कम 10 साल तक आपकी जो सर्विस है वो पूरी हो जानी चाहिए, और इसमें आप अपनी बेसिक सैलरी का 36 गुना पैसा जो है वो पीएफ से निकाल सकते हैं। और इसमें एक कंडीशन और है कि इस पैसे को आप अपने पूरी सर्विस के दौरान एक बार ही निकाल सकते हैं। आप इसको अगर चाहें कि दोबारा से अपने पीएफ से पैसा निकाल लें तो वो आपको नहीं मिलेगा। तो जो दूसरा पॉइंट है वो है बीमारी के इलाज के लिए। पीएफ खाता धारक अपने अपने परिवार के इलाज के लिए पीएफ का पूरा अमाउंट जो है वो निकाल सकता है। इस स्थिति में कभी भी पीएफ का पैसा निकाला जा सकता है, मतलब आपको कोई टाइम लिमिट इसमें फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए 1 महीने या उससे अधिक तक अस्पताल में भर्ती होने का सबूत देना होता है पीएफ डिपार्टमेंट को। साथ ही इस समय के लिए एम्प्लॉयर के द्वारा लीव अप्रूवल भी आपको सबमिट कराना होगा ईपीएफ डिपार्टमेंट को। और पीएफ के पैसों से मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए व्यक्ति को अपने एम्प्लॉयर या ईएसआई के द्वारा अप्रूव एक सर्टिफिकेट भी देना होता है। और इस पैसे को निकालने के लिए आपको फॉर्म 31 के तहत आवेदन करना होगा। तीसरी जो कंडीशन है वो है शादी के लिए। खाताधारक अपनी या भाई बहन या फिर अपने बच्चों की शादी के लिए पीएफ की राशि को निकाल सकता है। इसके अलावा अपनी पढ़ाई या फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए भी पीएफ की राशि को निकाल सकते हैं। इसके लिए कम से कम 7 साल की नौकरी कंपलसरी है, और इसका आपको सबूत भी देना होगा। जो चौथी कंडीशन है वो है एजुकेशन पर्पज़ के लिए। एजुकेशन के मामले में आपको अपने एम्प्लॉयर के द्वारा फॉर्म 31 के तहत आवेदन करना होता है। आप पीएफ निकालने की तारीख तक कुल जमा का 50% जो पैसा है वो पीएफ से निकाल सकते हैं। एजुकेशन के लिए पीएफ का इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति अपने पूरे एक सेवा काल में सिर्फ 3 बार कर सकता है। मतलब आप एजुकेशन पर्पज़ के लिए जो अपना जो पीएफ का विड्रॉल है वो सिर्फ 3 बार ही कर सकते हैं अपनी पूरी सर्विस के दौरान। तो जो पाँचवीं कंडीशन है वो है प्लॉट खरीदने के लिए। प्लॉट खरीदने के लिए पीएफ का पैसा इस्तेमाल करने के लिए आपका जो कार्यकाल है, आपकी जो सर्विस है वो 5 साल से ऊपर की होनी चाहिए, और प्लॉट आपके या आपकी पत्नी दोनों के नाम पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। प्लॉट या प्रॉपर्टी किसी प्रकार के विवाद में फंसी होनी नहीं चाहिए, और ना ही उस पर कोई कानूनी कार्रवाई चल रही होनी चाहिए। प्लॉट खरीदने के लिए कोई भी व्यक्ति अपनी सैलरी का अधिकतम 24 गुना तक का पीएफ का पैसा जो है वो विड्रॉ कर सकता है। इस तरह की स्थिति में आप अपनी नौकरी के कुल समय में सिर्फ 1 बार ही पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। जो छठा पॉइंट है, जो छठा पॉइंट है, उसमें है कि घर बनाने या फ्लैट लेने के लिए भी आप पीएफ का जो पैसा है वो निकाल सकते हैं। इसमें कंडीशन क्या है, इस तरह की स्थिति में आपकी नौकरी के 5 साल का पूरा होना आवश्यक है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपनी सैलरी का अधिकतम 36 गुना तक पीएफ का पैसा निकाल सकता है। इसके लिए अपनी नौकरी के समय के दौरान सिर्फ 1 बार ही पीएफ का पैसा निकाला जा सकता है।
तो अब बात करते हैं कंडीशन नंबर 7, हाउस रेनोवेशन के लिए भी आप अपने पीएफ का जो पैसा है वो विड्रॉ कर सकते हैं। इस स्थिति में आपकी नौकरी के कम से कम 5 साल पूरे होने चाहिए। इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपनी सैलरी का अधिकतम 12 गुना तक का पीएफ का पैसा जो है वो निकाल सकता है। इसके लिए अपनी नौकरी के समय के दौरान सिर्फ एक बार ही पीएफ के पैसों का इस्तेमाल किया जा सकता है। और अब बात करते हैं 8वां और आखिरी जो कंडीशन है उसके बारे में, ये है प्री रिटायरमेंट। इसके लिए आपकी उम्र 54 वर्ष होनी चाहिए। इस स्थिति में आप कुल पीएफ बैलेंस में से 90% तक की रकम को निकाल सकते हैं, लेकिन यह विड्रॉ सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है। ये इसकी कंडीशन है। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट्स जिसके तहत आप अपने पीएफ के पैसे को बहुत ही आसानी से विड्रॉ कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।